हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे हेल्प आइडिया स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रतिस्थापना विधि द्वारा रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है, आज हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन जो होता है, प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक समीकरण से चल करके और दूसरे समीकरण में मान पुट करके, यानी एक समीकरण से चल के दूसरे समीकरण में उसका वैल्यू रख करके, और क्या करना है, उसको हमको मान निकालना है, यानी जो उसमें चर रहेगा वो चर को क्या करेंगे, हम लोग उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि दो समीकरण है, दो समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 और एक समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण ले लिए हम, क्या किए, ये दो समीकरण ले लिए और ये दो समीकरण को जो है हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये जो है क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, समीकरण फर्स्ट में चिपका ले चलेंगे या आपको मन होगा तो सेकेंड में भी चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। कौन सा समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 यानी 14। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, x का मान या y का मान जो है से इसको निकाल लेते हैं, या फिर x का निकाल लीजिए या y का, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, x बराबर जो है से क्या हो गया, 14 इधर माइनस में y है तो ये साइड जाएगा, अगर बराबर के ये साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में वाई होगा। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू भी हम निकाले हैं, लेकिन इसका पूर्णतः वैल्यू नहीं निकला है, अचर में नहीं निकला है, सिर्फ अभी चर में ही निकला है। तो क्या करेंगे, ये जो एक्स का वैल्यू जो हम लोग लाए, एक्स का वैल्यू जो लाए, ये क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे और फाइनली हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो लाए, ये क्या करते हैं, एक्स का मान, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, कौन, फर्स्ट से चलेंगे तो सेकेंड में रखेंगे और अगर सेकेंड से चलेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। अगर वही समीकरण से समीकरण फर्स्ट से चल करके और समीकरण सेकेंड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए वो काम हमको नहीं करना है। अगर समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो समीकरण सेकेंड में रखेंगे और समीकरण सेकेंड से चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो क्या करते हैं, हम लोग इसका समीकरण सेकेंड में वैल्यू रख लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड क्या है, यहां पे समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, x का मान जो यहाँ पे लाए हैं इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रख लेंगे। तो समीकरण जहां पे भी सेकेंड में, समीकरण सेकंड में जहां पे भी x का मान है, x जहां पे है वहां पे x का जो मान ला ये वाला, इसको क्या करना हमको, ये समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे। तो समीकरण सेकंड में देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब ये x का जो मान है ये क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में, ये सेकंड में जो है ये समीकरण में पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पर कितना रखना हमको, 14 प्लस वाई, और यहाँ पे जो है ये x की जगह पे इतना रखे हैं और ये प्लस वाई जो है पहले से है, यहाँ पे प्लस वाई जो है क्या है, पहले से यहाँ पे है, इसीलिए क्या करते हैं, एक और इसमें x की जगह पे ये रखे और प्लस वाई जो है यहाँ पे ये रख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अभी सिर्फ हम इसको x की जगह पे ये जो y वैल्यू लाए थे समीकरण फर्स्ट से चल करके वो इसमें पुट किए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और फाइनली ये इसमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये 14 जो है इधर क्या है, प्लस में, तो इधर अगर लेकर के जाते हैं बराबर के और इस साइड में लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे वाई और वाई जो है दोनों ऐड होगा, जुटेगा तो क्या होगा, वाई और वाई को अगर जोड़ते हैं तो 2y हो जाता है, 2y बराबर जो है से क्या हो गया,
फोर, और ये जो 14 था इधर प्लस में से इधर क्या में चला जाएगा, माइनस में 14 चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, नंबर में ये छोटा और ये बड़ा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 14 में से 4 घटा दिए तो आ गया 10। लेकिन जोड़ और घटाव का नियम होता है कि प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन जो बड़ा में साइन रहता है वो साइन यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 इधर क्या इंटू में है, तो इधर क्या में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2, कोई दिक्कत। अब इसको काट दिए कितना 5, यानी फाइनली आया y इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5। अभी सिर्फ हमको y का मान निकला है, x का वैल्यू नहीं निकला है, तो x का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू लाने के लिए ये जो y का मान आया, y का मान जो आया वो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू जो आया से क्या आया, एक अचर राशि आया यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया है, तो अब कोई में भी रखेंगे, कोई भी समीकरण में पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे y का मान जो है से क्या कहते हैं, हमको समीकरण फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, किसमें समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं। ठीक है, क्या है समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 14, और यहाँ पे हम क्या करना है, हमको जो है यहाँ पे रखना है y की जगह पे माइनस 5, तो x को रहने दिए और यहाँ पे माइनस, और y की जगह पे कितना रखना है माइनस 5 इक्वल टू 14। अब देखिए क्या हो गया, x प्लस और यानी माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है, प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 14, और ये जो है x और ये प्लस 5 जो है से अगर आर एच एस साइड लेकर के जाते हैं तो क्या होता है माइनस में चला जाएगा, यानी 14 माइनस 5 तो क्या हो गया x इक्वल टू आ गया माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। अब हमको क्या हो गया x और y का वैल्यू पूरा ज्ञात हो गया, तो ये जो है फाइनली लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया x इक्वल टू आया माइनस 1 और y इक्वल टू क्या आया माइनस 5, तो यही हो गया इसका आंसर, यानी प्रतिस्थापना विधि से किस प्रकार हम लोग सोल्यूशन करते हैं यह आपको आज पता हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से नए वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद।